अरे एस नान पूछे जाएगा, एस नान यही आएगा। मेरा नाम हयूम रहमान है और मैं अभी झारखंड जा रहा हूँ। झारखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है चतरा, और चतरा में एक ब्लॉक है इटखोरी। इटखोरी ब्लॉक में पंचायत पड़ता है सहरजाम और गांव पड़ता है असढ़िया, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा आयु बना ज्यादा दिन नहीं, 1 मंथ ही हुए हैं, लेकिन आने के बाद मैं काम स्टार्ट कर ही वाला था कि ये लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने की वजह से काम जो है ना वापस वो बंद हो गया। वो वीडियो एडिटिंग का काम था, इंटरव्यू दिए, वहां पास हो गए, बोले ठीक है आप कल से ज्वाइन कर सकते हो मंडे से। तो ऐसा ही लॉकडाउन का ये ना हुआ तो फिर वहां फोन किए तो बोले कि रहमान से ऐसा है ना कि काम अभी ब्रेक हो रहा है इसलिए वापस लॉकडाउन लगने वाला है तो दिक्कत होगी, तो आप चाहते हो तो अभी रुको। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ रुकूंगा और टाइम वेस्ट करूंगा, और वैसा पिछले बार जिस तरह से लॉकडाउन हुआ तुम लोग फंस गए थे तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उस टाइम। तो हम लोग सिर्फ जो अपने रूम ऑनर हैं उनको बताते थे कि अभी ये प्रॉब्लम है तो अभी रुक जाओ, इस महीने का जो आपका फेयर है भाड़ा रूम का मैं बाद में चुका दूंगा। तो इस तरह से कर्ज के 10 महीने का मेरे ऊपर कर्ज हो गया रूम भाड़े का। एक अपना जो अपना गांव की जो खेती है वो सब कर रहा था मैं, जैसे कि रबी फसल और खरीफ फसल होता है वो सब का बुआई वगैरह कर रहे थे। उसके बाद एक संस्था है राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, तो मैं उस संगठन से भी जुड़ा। संगठन से जुड़ने का मकसद ये था कि जो इस बिरादरी के लोग हैं अंसारी समाज के लोग वो काफी अशिक्षित हैं और तरह तरह के कुरीतियों में मुबतला रहते हैं, वो लोग फंसे हैं। तो हम लोग सोचे कि लोगों को बताएं कि हमारा काम सिर्फ ये काम नहीं करना है, हमें पढ़ना भी है और बच्चों को भी पढ़ाना है, और आपसे जो मतभेद है उसको दूर करो, एक रहो, आगे बढ़ो। और जैसे समाज में जो दहेज प्रथा की ये सब समस्या है वो सभी मैं लोगों को बताता था कि ये एक बहुत बुरी लत है, दहेज लेना देना बंद करो। जो हम लोग की जमीन है वो पूर्णतः बारिश पर डिपेंड होता है, हमारे यहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है। जब बारिश होती है तभी खेती होता है, अगर बारिश नहीं होती है तो खेती नहीं होता है। जो भी हम पूंजी लगाते हैं वो वेस्ट चला जाता है। जो हम लोग मुंबई में आते हैं कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं घर बेचते हैं उससे हम लोग खेती बाड़ी करवाते हैं और उसी से अपना जीविकोपार्जन चलता है। कोरोना का मुझे डर नहीं मैम, मुझे सिर्फ डर है जॉब का। यहाँ पे मुझे जॉब नहीं है इसके वजह से मैं गांव जा रहा हूँ, इसलिए कि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे काम बंद होने जा रहे हैं और बंद भी हो गए, और प्लस में हम लोग का आने जाने का जो फेयर होता था वो भी बढ़ गया था। पिछले साल तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुझे कोई मदद नहीं मिली थी, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिला था मुझे। मैम जब तक ये लॉकडाउन का समस्या खत्म नहीं हो जाता है तब तक, और जब तक कुछ काम वैसा फिर ओपन नहीं होता है तब तक मैं भी गांव में रहूंगा। जब फोन करूंगा और काम के बारे में कुछ पता चलेगा उसके बाद ही आऊंगा मैं वापस। Thank you.